उनकी आराधना। 3 दिन से आप पाटा लगाकर पूजन कर रहे हो, आज भी दीपावली का पूजन भी आपको ऐसे ही करना है। जितना पूजन आप हर साल करते हो, आपके घर में ब्राह्मण देवता आकर जिस तरह से पूजन कराते हो, ब्राह्मण नहीं भी आते तो आप जिस तरह से पूजन करते हो उसी तरह से आपको पूरा की पूरा वैसा की वैसा ही क्रम लगाना है। पर जो पूजन आपने धनतेरस पे करी, रूप चौदस पर करी, वही थाली आज फिर पहुंचकर पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौरंग पर लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को रखना है, उसी थाली। जैसे आपके यहां के ब्राह्मण पूजन बताते हो वैसी पूजन करो, और अगर ब्राह्मण आपके यहां नहीं आते पूजन कराने, आप स्वयं करते हो तो जैसा करते आए हो, आपके पूर्वज जैसा बताते हो, आपकी सास जैसी बताती हो, आपके ससुर जैसा बताते हो, आपके जेठ जेठानी जैसा बताते हो, आपके घर के बड़े बुजुर्ग जैसा बताते हैं, वैसी पूजन करो। ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं, जैसी पूजन आप पहले करते आयो, आपके सास ससुर ने बताई, आपके घर के बुजुर्गों ने बताई, वैसी। तो शंकर भगवान को चढ़ाते समय इस बेलपत्र की जो डंडी होती है, जो हम भगवान देवदेव महादेव को समर्पित करते हैं, तो डंडी का भाग आपकी विपरीत दिशा में होता है। दिन रात्रि को अखंड जब चाहिए, हम कोई कामना ना करते हुए बेलपत्र को समर्पित करते हैं, तो डंडी का भाग जहाँ लक्ष्मी जी रखी है, आपने जिन कलदार की पूजन करी है, पर जब उनके सीधे हाथ पर हमारी कोई कामना होती है, हम कुछ भगवान से अगर लेना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, भगवान से हम कुछ कहना चाहते हैं, तो ये बेलपत्री की डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो जाता है। पीले अक्षत कहाँ कर देते हैं फिर डंडी को? सुंदर सुंदर जम के बोलो जरा, इत्र मतलब ये शिवलिंग, शिवलिंग से जहाँ जल बह रहा है, फिर जब हम शंकर के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर कर देते हैं। जब हमारी कोई कामना होती है तब हरे मुंह, और जब कामना नहीं होती हम केवल भाव से दिल से भगवान शंकर को अपना बनाने के लिए भक्ति के बल पर हम शिव को रिझा रहे हैं, तो बेलपत्री का जो डंडी का भाग है वो आपके विपरीत दिशा में। गुड़ और धने को क्यों रखा जाता है लक्ष्मी पूजन में? अब ध्यान देना जरा। तीसरा, जब भी योग लगे शुभ कार्य, हमारे बच्चों का मंगल विवाह, हमारी बेटियों के, शंकर भगवान को जो बेलपत्र चढ़ती है वंश वृद्धि, वो उल्टी चढ़ती है। होते सब लोग ऐसे ही चढ़ाते हो ना? अरे बोलो तो जम के, मतलब जो ये जो चिकना चिकना सा भाग है ये शिवलिंग की ओर होता है, ठीक है? माता के सम्मुख पर का भोग लगाते हुए जो आपके एक पाना लेकर आए होंगे, एक सुंदर जब नंदी को बेलपत्र चढ़ती है जो चित्र हो वो पूजन वाली जगह पर रखकर जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ती है तो वो बेलपत्र उल्टी नहीं चढ़ती, वो बेलपत्र कुल देवी अपने पूर्वज चढ़ती है। कारण उसका क्या कारण होता है? जहाँ पर आपके ठाकुर जी बैठे हैं, आपके लाला विराजमान है, विश्वनाथ जी विराजमान है, कोई बैठ रहा है, सुंदर भाव से तो आसन उल्टा बिछाओगे कि सीधा बिछाओगे? बोलो बोलो जम के, सीधा बिछाओगे ना? तो नंदी पर हम जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र उल्टी नहीं चढ़ाना, नंदी पर जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सीधी चढ़ाते हैं। उसका कारण क्या है कि नंदी पर भगवान शंकर आसन लगाकर बैठते हैं तो हमारी बेलपत्री का सुख उनको प्राप्त होता है। आपके घर के बुजुर्ग ने वैसी की वैसी कर, बस नहीं में एक ही चीज जोड़ सकते हो, जो 3 दिन की पूजन आप करते आ रहे हो सिक्के की, तो सिक्के का पूजन जरूर करें। हमारी बेलपत्री का सुख उसका स्मरण, भगवान शंकर जब उस पर विराजमान हो, आसन लगाए, उस पर बैठे तो उसका फल हमको प्राप्त। मट्टी के जो दिए रहते हैं उसका फल हमको मिलता है। आधा सीसी का दर्द रहता हो, सिर का दर्द रहता हो, या आए दिन टेबलेट खाकर सोना पड़ रहा हो, और रात्रि को बेचैनी होती हो, बेचैन हो जाते हो, सिर पर पसीना आने लगता हो, घबराहट होने लगती हो, एकदम तुरंत घबराहट हो जाता है, दिल में ऊंचा रात में हो घबराहट उत्पन्न, तो उसके लिए धूमावती माता का नाम लीजिए, और धूमावती माता के नाम से गुड़ की 7 टुकड़े कर लीजिए, गुड़ की जो बट्टी होती है उसके 7 टुकड़े करें।
जो पूजन चल रही है और धूमावती माता के नाम से जहाँ पर गौरी और शंकर दोनों विराजमान है। कल फिर पुनः गौरी और शंकर का मंदिर यदि आप दर्शन करेंगे तो शंकर भगवान का जहाँ शिवलिंग हो माता लक्ष्मी आप और शिवलिंग के साथ में पार्वती शंकर के साथ नीचे ही बैठी सामने दीवार पर या ऊंचाई पर विश्वासियों को शुभ दीपावली। दीपावली आपको पहले कहा था शंकर जी के शिवलिंग का आपको कई बार दर्शन कराया। एक विष्णु शिवलिंग होता है, एक डमरू जैसा शिवलिंग होता है जिसको बैठ कर पूजा नहीं जाता, जिसको खड़े होकर जल चढ़ा है। एक शिवलिंग होता है जो जमीन पर ही रहता है जिसको गौरी शंकर का मारा। तो गौरी शंकर का स्मरण कर उमा महेश का स्मरण कर जो शिवलिंग जमीन